सो वेलकम करता हूँ गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग करेंगे बोट की वॉच जेनिट, जो कि मैंने हाल फिलहाल में बाय की है अमेजोन से, और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। यहाँ पे अंडर 2000 के प्राइस ब्रैकेट में मिलती है ये, इस तरीके की आपको बॉक्स पैकिंग मिल जाती है। और गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। बहुत जल्दी मैं एक गिव अवे लेके आने वाला हूँ, 5000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे होते हैं मैं जल्दी से जल्दी गिव अवे आप सभी के लिए लेके आऊँगा। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि औरों को भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो पीछे की साइड आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कॉल एंड टेक्स्ट नोटिफिकेशन विद वाइब्रेशन अलर्ट्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स फोन मिलते हैं, IP67 की रेटिंग मिलती है, IP68 या 580M होता तो ज़्यादा बेटर था, और कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में आपको यहाँ पे फीमेल हेड ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, और थिएटर मोड मिलता है, बिल्ट इन गेम मिलता है, यहाँ पे आपको एक सिंगल गेम मिल जाता है, और उसी के साथ साथ एंड्रॉइड या iOS दोनों से पेयर कर सकते हो। वेदर फोरकास्ट भी आपको यहाँ पे शो कर देगा, और इस तरीके का आपको मिल जाता है पैकेज कंटेंट, आपको वन बोट की वॉच मिलेगी और USB मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिलती है और वारंटी कार्ड, दैट्स इट। इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे आई गेस तो यहाँ पे 6999 रुपीज़ है, बट ये आपको अंडर 2000 के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है। और इस तरीके का आपको फ्रंट पे भी आपको इस तरीके की ब्रांडिंग मिल जाती है बोट की, अबव द ऑर्डिनरी बोट वॉच जेनिट, 1.3 इंचेस की आपको IPS डिस्प्ले मिलती है, कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस है, स्लीप HR मॉनिटर और ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मॉनिटर कर सकते हो। तो इसको बिना देरी के इसको ओपन कर लेते हैं, और ये सिर्फ अनबॉक्सिंग है, इसका डीप डाउन रिव्यू मैं आपको आज ही दूंगा, मतलब शाम के टाइम मिल जाएगा आपको। इसको हम ओपन कर लेते हैं, आपको एक दो सील मिलती है यहाँ पे ही, बोट की जो ब्रांडिंग वाली सील है वो मिल जाती है, और इधर की साइड भी आपको बोट की ब्रांडिंग वाली सील मिल जाती है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एक तरफ से ओपन करेंगे इसको यहाँ से, और तो गाइज फर्स्ट लुक में तो डेफिनेटली बेटर लग रही है। यहाँ पे ये मेटेलिक आपको डायल मिलेगा, इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक चार्जिंग के लिए केबल मिल जाती है, ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आपको बोट के जो वारंटी कार्ड है वो मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, मतलब बोट वॉच जेनिट की आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसी के साथ साथ बोट के अदर प्रोडक्ट की भी आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको बहुत बड़ी यूज़र मैनुअल मिल जाती है वाली, मतलब अदर प्रोडक्ट्स की आपको मैनुअल मिल जाती है। इसको रखते हैं साइड में, और गाइज़ ये आपकी मैग्नेटिक का जो चार्जिंग केबल है वो मिलती है, ठीक ठाक है क्वालिटी, और यहाँ पे आपको एक वॉच मिल जाती है। गाइज वॉच की क्वालिटी अच्छी है डेफिनेटली, और बोट का एक स्टिकर भी मिलता है आपको एक। गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात करी है बोट ने, आपको एक टेम्पर प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। गाइज बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको टेम्पर प्रोटेक्शन आपको इनबॉक्स में मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये बोट की वॉच मिल जाती है। उसी के साथ साथ स्ट्रैप की क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप है ये, और ये आपको मेटल का ही मिलता है, ये हैवी नहीं है, आई गेस मेटल है कि यहाँ पे ये प्लास्टिक है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेटल लग रहा है मेरे को। और पीछे की साइड आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, HR मॉनिटर, SP2000 मॉनिटर के लिए, और बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक पेंस चार्जिंग के लिए मिल जाती हैं, इसको मैं लगा के दिखाता हूँ आपको इस तरीके से, उतना तगड़ा नहीं है मैग्नेट इसका, तो ठीक है मतलब, तो इस तरीके से मिल जाता है। और गाइज यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि 20mm स्ट्रैप साइज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपको मिल जाता है। इसका मैं पूरा डीप डाउन रिव्यू करूँगा, तब आपको बताऊँगा कि यहाँ पे 20mm स्ट्रैप साइज़ है कि आपका 22 है। तो इस तरीके से मिल जाता है, और इसको हम ओपन कर लेते हैं, ऊपर की साइड से हटेगा ये शायद, यहाँ पे आई गेस एक टेम्पर और चढ़ाया हुआ है यहाँ पे पहले से ही, यस गाइज आपको एक टेम्पर और मिल जाता है इसमें चढ़ा हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हटाने की कोशिश की, थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है, और ये भी हट जाएगा अगर आप हटाना चाहो तो, एक आपको इनबिल्ट मिल जाता है इसमें। तो गाइज यहाँ पे दो बटन मिल जाती है, एक मेन्यू के लिए और एक होम पे जाने के लिए, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना है ऊपर वाली बटन को, और देखते हैं ये चार्ज है कि नहीं। यस हैप्टिक फीडबैक से आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे आ रहा है, स्टार्ट हो चुकी है वॉच, ये स्टार्ट हो चुकी है। ओवरऑल गाइज फर्स्ट लुक में डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लग रही है, H2H डिस्प्ले मिलती है इसकी, और डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी है ये। ऊपर की साइड से स्वाइप करने पे आपको मेन्यूज मिल जाते हैं पूरे के पूरे, जो गाइज डेफिनेटली बेटर फील हो रहा है मेरे को, बोट की वॉच फ्लैश से मेरे को बेटर फील हो रहा है। देखते हैं गाइज उसके साथ भी मैं एक कंपैरिजन लेके आऊँगा। यहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वापस से होम पे जाते हैं।
यहाँ पे आपको इस तरीके से शॉर्टकट्स मिल जाते हैं और नीचे की साइड से आपको ये मैसेज मिल जाते हैं, दैट्स इट। तो ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है और मेरे को अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि ये मेटल है कि नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे मैं चेक करूँगा इसको और एक बार स्क्रैच करके देखेंगे क्या ये मेटल है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल मिल जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये सिलिकन स्ट्रैप है ही है, बोट की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको बोट की ब्रांडिंग नहीं मिलती है, पहले आपको ये बकल पे ब्रांडिंग मिलती थी, बट यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं है, बट यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल इस तरीके से मिल जाता है। डेडिकेटेड सेंसर आप देख सकते हो पीछे की साइड ब्लिंक कर रहे हैं, इस तरीके से आपको ओवरऑल मिल जाता है इसका। ये थी इसकी अनबॉक्सिंग गाइज, इसका मैं डीप डाउन रिव्यू लेके आने वाला हूँ। तो गाइज चैनल पे स्टिक रहिएगा और बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। गाइज मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।